नबी उनकी धर्मपत्नी जी हैं, इन्होंने भी हमें माल्या अर्पण किया है। रवि भाई साहब की पत्नी जी ने हमेशा इसी तरीका से इस परिवार में सुख शांति बनी रहे, धन की वृद्धि होती रही है, मेरा आशीर्वाद है। मेरे भाइयों, आइए सुदामा चलते चलते कहां पहुंचे हैं, द्वारका में। द्वारका में ओ भाइयों, द्वारका में पहुंचे। ये हमारी माता जी राजू रवि की मैया जी हैं, एक हार मुझे पहना रही है। माता जी सभी शिष्यों का सम्मान कर रही है। सुदामा को पहरेदारों ने देखा है, मौ बाएं घूम रहे हो, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, पूछना चाहते हैं भैया। ये कौन सी नगरिया है? द्वारका छे। जो हमें राज्य को कत्तो है? कन्हैया छे। अगुरिया कैसे गिनत? तुम छक्काड़ो सो कैसो पेनतो? छक्काड़ो ता सो पेले कि तुम अगुरिया कैसे गिर रहे हो? कहाँ जाना है? हमें अपने मित्र ते मिलवे जाना है। किनते? कन्हैया ते। हमारे भगवान और तुम्हारे मित्र? हाँ। इनको ने मुंह देख लियो, गंगा जमुना के बीच में जय गंगा, गंगा पार को गोधन मिलो। देखो मुंह, ये कन्हैया के मित्र है। हम ऐसे नहीं मानेंगे, पहले अपना परिचय दो। सुनो, परिचय दे दिया। सोई एक द्वारपाल भागो भगवान को जाकर के बताने लगा। इसी बीच में ये सीलेश दूधिया भगवंतपुर वाले जो रवि के सड़वाई है, हाँ, 100 रुपए हमें दे रहे हैं और 40 लीटर दूध कथा के लिए। बहुत सुंदर दान दाताओं की यहां कमी नहीं है। ये दूध भी कथा में दान कर रहे हैं और राजू और रवि इसमें एक भजन लिख रहे हैं। आप लोग शांति से